हेलो फ्रेंड, डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिबोनाची हीप के बारे में कि फिबोनाची हीप क्या होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बाइनोमियल हीप के बारे में। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर बात करें फिबोनाची हीप क्या है, फिबोनाची हीप किसे कहते हैं, तो फिबोनाची हीप क्या है, एक तरह का ये क्या होता है, हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कलेक्शन ऑफ ट्रीज होता है, मतलब जिसमें मल्टीपल ट्री होती हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें बाइनोमियल ट्री ही होनी चाहिए, उसमें मल्टीपल तरह की ट्री हो सकती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, मतलब कलेक्शन ऑफ ट्री को ही हम फिबोनाची हीप के नाम से जानते हैं। और आगे अगर हम बात करें कि फिबोनाची हीप किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, तो जो हमारा फिबोनाची हीप है वो मीन हीप या मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। अगर बात करें मीन हीप और मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो मीन हीप और मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, जो हमारा मीन हीप होता है, मीन हीप में क्या होता है कि जो भी नोड्स होंगे, ठीक है, जो भी हमारा पेरेंट नोड है वो ऑलवेज छोटा होगा किससे, अपने चाइल्ड नोड से, मतलब जो भी उसके चाइल्ड नोड होंगे वो ग्रेटर होंगे, जो रूट नोड हमारा होगा वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन होगा। और दूसरी चीज क्या है, मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज क्या कहती है, मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज कहती है कि जो भी हमारा रूट नोड होगा ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, अपने चाइल्ड नोड से, यानी जो भी पेरेंट है अपने चाइल्ड से ऑलवेज ग्रेटर होगा, तो वहां पे क्या होगी, मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज होगी। तो जो फिबोनाची हीप है हमारी वो दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, यानी मैक्स हीप और मीन हीप की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। आगे अगर हम बात करें कि फिबोनाची में, इन फिबोनाची हीप ए नोड कैन हैव मोर देन टू चिल्ड्रन और नो चिल्ड्रन एट ऑल, मतलब कह सकता है कि अगर जो भी नोड है उसके पास या तो हो सकता है कि मोर देन दो चिल्ड्रन, मतलब दो से ज्यादा भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, या हो सकता है कि उसके पास कोई भी चिल्ड्रन ना हो। जैसे अगर कोई नोड है, अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे कोई नोड है, हो सकता है कि इसके पास कोई भी नोड, मतलब कोई भी चाइल्ड ना हो, या हो सकता है कि इसके पास मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं, कुछ इस तरह से, तो उसे भी हम फिबोनाची हीप कहते हैं। आगे अगर हम बात करें फिबोनाची हीप के बारे में, इट हैज मोर इफिशियंट हीप ऑपरेशन देन द सपोर्टेड बाय द बाइनोमियल हीप एंड बाइनरी हीप, तो मतलब कह रहे हैं कि ये क्या करता है, कुछ काम किसकी तरह करता है, जो भी हमारी बाइनोमियल हीप थी और बाइनरी हीप थी उसकी तरह काम करता है। अगर आप बाइनोमियल हीप के बारे में पढ़ के फिबोनाची हीप के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, क्योंकि जस्ट लाइक जैसे फिबोनाची हीप होती थी, हमारी बाइनोमियल हीप होती थी, जस्ट लाइक उसी के बेस पे, उसी कॉन्सेप्ट पे, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है हमारा फिबोनाची हीप। तो आगे अगर हम बात करें फिबोनाची हीप किस तरह से दिखता है, तो देखें इस चीज को अगर हम, तो जैसे यहाँ पे हमने डायग्राम बना रखा है कि क्या है कि फिबोनाची हीप किस तरह से वर्किंग करता है, उससे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक। हाँ, अब आगे अगर हम बात करें फिबोनाची हीप की, फिबोनाची हीप क्या है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, बी जीरो ऑर्डर की ट्री है। बी जीरो ऑर्डर ट्री, अगर आपको अभी ना समझ में आए कि बी जीरो ऑर्डर क्या है, बी वन क्या है, बी टू क्या है, बी थ्री क्या है, तो इसके लिए आपको बाइनोमियल हीप देखना पड़ेगा। बाइनोमियल हीप से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा बाइनोमियल ट्री, क्योंकि ये सारे बाइनोमियल ट्री के कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो बाइनोमियल हीप होता है वो बाइनोमियल ट्री के कलेक्शन को ही हम बाइनोमियल हीप कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमें बाइनोमियल ट्री भी मिलेंगी, बाइनोमियल ट्री, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्या हमारे बी जीरो ऑर्डर के हैं, यहाँ पे हमारा क्या है कि बी टू ऑर्डर का है, ठीक है, बी टू ऑर्डर का, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये बी वन ऑर्डर का, लेकिन हम ए वाली हीप जो बीच वाली देख रहे हैं, ये क्या कर रही है कि एक किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही है। किसी भी ऑर्डर को फॉलो न करने का मतलब है कि ये एक बाइनरी ट्री है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हमारी बाइनोमियल ट्री, जैसे कि हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल को तब ज़्यादा हमें को समझ में आएगा। अब अगर बात करें हम फिबोनाची हीप की प्रॉपर्टीज की, फिबोनाची हीप किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, तो फिबोनाची हीप की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें कि फिबोनाची हीप क्या क्या प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, तो फिबोनाची हीप, इट इज ए सेट ऑफ द मीन हीप ऑर्डर ट्री, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, एक मीन हीप के ऑर्डर में ट्री होनी चाहिए। मीन हीप के ऑर्डर में मतलब
मीन या मैक्स हीप के ऑर्डर में। मीन हीप के ऑर्डर का मतलब है कि जो भी अभी हमने बताया मीन हीप किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, जो भी इसके पेरेंट नोड होंगे ऑलवेज छोटा होगा अपने चाइल्ड नोड से। जैसे यहाँ पे तो अगर हम बात करें यहाँ 23 पे, तो यहाँ पे तो इसका चाइल्ड नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे भी इसका चाइल्ड नहीं, छोड़ देते। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले पॉइंट पे, तो 3 क्या है, 18 से छोटा है, 52 से छोटा है और 38 से छोटा है। मतलब ये जो हमारा रूट नोड था यानी पेरेंट नोड था अपने चाइल्ड से ऑलवेज छोटा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये मीन हीप की ऑर्डर की ट्री को, मीन हीप की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे फिर हम देखें अगर 39 के पेरेंट क्यों, तो 39 का पेरेंट क्या है, 18, 18 क्या है ऑलवेज इससे छोटा है। तो यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे देख ले 41 है, 41 से क्या है हमारा 38 छोटा है। तो ये क्या कर रहा है, मीन हीप की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। उसी तरह अगर यहाँ पे हम देख ले तो यहाँ पे भी देखो मीन हीप की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 24 है और इसके चाइल्ड क्या है 26 और 46 है, और यहाँ पे क्या है 35 है। 35 से छोटा क्या हो गया 26, और 26 और 46 से छोटा क्या हमारा हो गया 24। तो हम कह सकते हैं कि मीन हीप की प्रॉपर्टीज को ये फॉलो कर रहा है। आगे अगर हम बात करें ये पॉइंटर इज मेंटेन एट द मिनिमम एलिमेंट नोड, मतलब जो इसमें पॉइंटर होते हैं, पॉइंटर कैसे होते हैं देखते हैं हम कुछ इस तरह से। एक तरह का सर्कुलर लिस्ट बनाता है, लिंक लिस्ट बनाता है। जैसे अब बात करें कि पॉइंटर कैसे पॉइंट, एक जो नोड होती है नोड के पास 3 इंफॉर्मेशन होती है। पहले 2 इन्फॉर्मेशन क्या है, तीसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, अभी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहली तो जो भी हमारी नोड होगी, एक तो प्रीवियस वाले नोड को, जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर हमारे पास कोई नोड है, अब ये क्या करेगी, एक तो इस नोड को इस अपने आगे वाली नोड को मतलब राइट हैंड साइड में जो भी नोड होगी उसको पॉइंट करेगा, दूसरी इधर वाली जो नोड होगी उसको पॉइंट करेगा, एक अपने चाइल्ड को पॉइंट करेगा और दूसरे क्या होता है अपने पेरेंट को पॉइंट करेगा। तो कुछ नोड के पास 4 तरह के पॉइंटर्स होते हैं। तो आगे अगर हम बात करें इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट मार्क नोड, इसमें कुछ होते हैं मार्क नोड होते हैं। अब मार्क नोड क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा बाद में देखते हैं, अभी डिस्कस करेंगे कि मार्क नोड क्या होता है। उससे पहले हम कुछ और चीजें डिफाइन कर देना चाहते हैं, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें इट कैन है मल्टीपल ट्री और इक्वल डिग्री, तो इसमें क्या हो सकता है, मल्टीपल डिग्री हो सकती है, इक्वल डिग्री की भी हो सकती है, एंड ईच ट्री डज नॉट नीड टू हैव द 2k power k node। मतलब 2k power k node का मतलब क्या है कि जब हम बाइनोमियल हीप पढ़ते थे तो वहां पे हम चेक करते थे 2k power k की वैल्यू क्या है, मतलब बाइनोमियल ट्री हमारे कितने ऑर्डर की है। ऑर्डर अभी हमने बताया कि जैसे यहाँ पे 13 है तो 13 का ऑर्डर क्या है 0 है, 7 का ऑर्डर क्या है 0 है। इसका ऑर्डर एक बाइनोमियल हीप नहीं है या बाइनोमियल ट्री नहीं है, इसका ऑर्डर क्या है 1 है, इसका ऑर्डर क्या है 2। अगर ये जो के है, के की वैल्यू ये ऑर्डर होती है, तो अगर जैसे हम 2k power 2 रखते, ठीक है, अगर k की वैल्यू 2 रखते हैं, 2k power 2 रखें तो वैल्यू आई 4, तो मतलब इसमें कितने नोड्स होंगे 4 होंगे, जो ऑर्डर 2 का होगा तो उसमें जितने भी नोड हमारे होंगे 4, काउंट करें 1 2 3 और यहाँ पे 4, तो 4 है। अगर ऑर्डर 2k power देखें, मतलब 2k power 1 को हम देख लें, 2k power 1, तो 2k power अगर 1 देखते हैं तो 2 होगा, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 नोड है, ठीक है 2 नोड। अगर 2k power 0 करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, तो हम देख रहे हैं 1 नोड। लेकिन क्या ये किसी भी बाइनोमियल ट्री को फॉलो कर रहा है, अगर हम 2k power 3 कर देते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 आएगी वैल्यू हमारी। जब 8 वैल्यू आ रही है, क्या इसमें 8 नोड है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या हो गया 5 और 6, इसमें 6 ही नोड है। जबकि ये क्या कर रहा है कि बाइनोमियल हीप की प्रॉपर्टीज को, मतलब कह सकते हैं बाइनोमियल ट्री के अंतर्गत नहीं आता है, तो वही कह रहा है कि इसमें हमें रिक्वायर्ड नहीं है कि 2k power k से हम किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करें। मतलब कह सकते हैं कि जैसे कोई भी नोड है उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करें, मतलब उसमें कितने नोड्स हैं ये सारी चीज़ें हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं इस फिबोनाची हीप के अंदर। आगे अगर हम बात करें कि अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, कि ऑल नोड, जो जितने भी रूट नोड्स हैं, सिबलिंग्स आर स्टोर द सेपरेटेड सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। अभी हमने बताया सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट में काम करते हैं, किस तरह से सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट में काम करते हैं इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो कुछ इस तरह से है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, मान लो 3 है, छोड़ो 3 है। अब 3 क्या कर रहा है कि अपने राइट साइड वाले एलिमेंट 17 को पॉइंट कर रहा है, जो भी इसका
ये रूट लिस्ट है, रूट लिस्ट में क्या कर रहा है 17 को पॉइंट कर रहा है, और लेफ्ट साइड में क्या कर रहा है 7 को पॉइंट कर रहा है। अब 7 क्या कर रहा है, अपने राइट साइड वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, और ये अपने लेफ्ट वाले। अब देख रहे हैं हम कि जो लास्ट एलिमेंट था इस, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से आके ऐसे कुछ आके पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, और ये पहला एलिमेंट क्या कर रहा है, लास्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो हम जब पढ़ रहे थे कि सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, तो उसमें हमने कुछ यही पढ़ा था कि हर एक नोड के पास, ठीक है, पहले तो डेटा वाला पार्ट होता है कुछ इस तरह से, अगर हम ड्रॉ करें तो इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है, इसमें क्या हम रखते हैं, डेटा वाला पार्ट रखते हैं, इसमें नेक्स्ट जो भी नोड होगा उसका डेटा रखते हैं और एड्रेस कर सकते हैं, और इसमें प्रीवियस नोड का डेटा रखते हैं। तो इस तरह से क्या करता है कि एक चैन बनी रहती है, और लास्ट वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट को पॉइंट करता है, और पहला वाला एलिमेंट, पहला जो हमारा एलिमेंट है ये क्या करता है, लास्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो ये क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, कहीं ना कहीं पूरा करता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि ऑल द ट्री इन फिबोनाची हीप आर रूट बट नॉट ऑर्डर, कह रहा है कि रूटेड होते हैं बट नॉट ऑर्डर में होते हैं, इन सारी चीज को देखने के लिए कुछ ऑपरेशंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें ऑपरेशन क्या है, PX है, ठीक है, ये रिमार्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे कॉन्सेप्ट इसी वर्क पे काम करते हैं। किस तरह से काम करते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे पेरेंट ऑफ यक्स है, PX का मतलब क्या हो गया कि पेरेंट ऑफ यक्स, अगर हम किसी नोड को लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास 18 है, अगर हम 18 की बात करें तो 18 का नोड मतलब पेरेंट कौन सा है, 3, तो पी ऑफ यक्स की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। मतलब 18 की अगर बात करें, 18 का मतलब अगर 18 को हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू 18 जो है इसकी वैल्यू यक्स है, अब यक्स हो गया तो पेरेंट ऑफ यक्स क्या है, 3 है, ठीक है। दूसरी चीज डिग्री ऑफ यक्स, डिग्री ऑफ यक्स का मतलब कि इससे कितने नोटेड मतलब इसके कितने चाइल्ड है, उसी को हम डिग्री ऑफ यक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 18 की अगर डिग्री देखें तो 1 है, ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे 3 की डिग्री देखें तो 3 की अगर मान लेते हम कि यक्स की वैल्यू 3 है, मान ली हमें यक्स हमारा क्या है 3 है, यक्स की वैल्यू, इसके पेरेंट को हमने देखा पेरेंट इसका 0 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पेरेंट इज 0। उसके बाद इसके देखेंगे डिग्री ऑफ 3 मतलब 3 का डिग्री कितना है, तो इससे कितने नोड टोटल कनेक्टेड है, 3 नोड कनेक्टेड है, तो उसमें क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ यक्स यानी डिग्री ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 18 की अगर हम डिग्री के बारे में डिस्कस करें तो 18 का जो डिग्री है वो कितना होगा हमारा, 1 होगा, क्योंकि उसके पास एक ही चाइल्ड है। अब आगे अगर हम बात करें मार्क एक्स को हमने छोड़ा, अभी के लिए थोड़ा होल्ड करते हैं इसके ऊपर। उसके बाद लेफ्ट ऑफ यक्स, लेफ्ट ऑफ यक्स मतलब कि जो लेफ्ट है उसका, अब जैसे 18 को हमने लिया था यक्स, मतलब हमने मान लिया कि जो 18 है वो यक्स है। अब लेफ्ट ऑफ यक्स, यक्स मतलब यक्स जो हमारा यक्स है उसका लेफ्ट वाला एलिमेंट क्या है, लेफ्ट किसको पॉइंट कर रहा है, कुछ इस तरह से लास्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। अगर पहला एलिमेंट है तो लास्ट वाले को ये पॉइंट कर रहा है। अगर हमने मान लिया 52 को यक्स अगर हमने माना तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, 18 को। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ यक्स यानी लेफ्ट ऑफ यक्स, यक्स की लेफ्ट वैल्यू क्या है, 38 है यहाँ पे। अब आगे बात करें अगर राइट ऑफ यक्स कि राइट ऑफ यक्स क्या है, तो राइट ऑफ यक्स अगर 18 की राइट वाली वैल्यू को फाइंड आउट करें तो यहाँ पे क्या है, 52 है, ठीक है। इसी तरह अगर 3 में हम देखें राइट वैल्यू क्या है, 17, लेफ्ट वैल्यू क्या है, 7 है, तो हो गया। अब आगे अगर हम बात करें चाइल्ड ऑफ यक्स कि चाइल्ड ऑफ यक्स क्या होता है, ठीक है, चाइल्ड ऑफ यक्स को भी समझना बहुत ही जरूरी है। तो चाइल्ड ऑफ यक्स के बारे में अगर हम बात करें कि चाइल्ड ऑफ यक्स क्या है, तो जैसे हमारे पास क्या है कि 3 है, मान ले हमने 3 के पास 3 चाइल्ड्स हैं, तो अभी किस चाइल्ड को प्रायोरिटी दे रहा है, मतलब कि अब इसमें हम क्या करेंगे, किस चाइल्ड को पॉइंट करेंगे। तो चाइल्ड ऑफ एक्स हम किसी भी चाइल्ड को लिख सकते हैं, यहाँ पे 18 को भी लिख सकते हैं, 52 को भी लिख सकते हैं और 38 को भी लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हर जगह लागू होंगी, हम बस एक एग्जाम्पल के तौर पर इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 52 को जनरली लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हमें सिंगल पॉइंटर से हम सारे काम चला सकते हैं। जैसे अगर 3 52 को पॉइंट किया तो हम 52 से इसके लेफ्ट एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके राइट एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं, और पेरेंट ऑफ यक्स को भी पॉइंट कर सकते हैं। तो चाइल्ड ऑफ, अब आगे बात हो गई मार्क नोड। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ डार्क ब्लू में दिख रही है नोड, तो क्या है हमारी, वो मार्क नोड है। मार्क नोड क्यों होती है, कैसे इसको रिमूव किया जाता है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं अभी। तो अगर मार्क नोड के बारे में हम बात करें, तो जैसे क्या होता है कि अगर कोई चाइल्ड है, मान लिया हमने 2 है, ठीक है,
दो से दो नोड जुड़ी हैं, एक तो हमारा 4 जुड़ा है, दूसरा क्या है 5 जुड़ा है। अब हम कहते हैं कि इस 2 का मान लो कोई है 1, ठीक 1 है जो इसका पेरेंट है। अब ये 2 और 1 में, ये जो हमारे 2 थे और 1 थे, इनमें किसी वजह से मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये दोनों क्या हो गए, आपस में कनेक्शन यहाँ से इनका ब्रेक हो गया। जब इनका कनेक्शन ब्रेक हो गया तो अब क्या हो गया, कुछ नोड हमारी इस तरह से बन गई, मतलब 1 और 2 यहाँ से इसको छोड़ दिया इसने, ठीक है, यानी कह सकते हैं रिमूव कर दिया इसको, यहाँ से इसने छोड़ दिया। जब इसने छोड़ दिया तो हमारे पास एक और, हमने मान लिया कि कोई नोड यहाँ पे हमारे पास, मान लो कि मान लेते हमने कि 2 ही है, ठीक है, नहीं 6 मान लिया हमने, 6 ठीक है, यहाँ पे कोई नोड है 6। अब ये क्या कर रही है कि इसको एडॉप्ट करना चाहती है, मतलब इसको लेना चाहती है, अब इसको ले लिया, अब इसको इसने सहारा, जब ए इसको, ए इसका अपने ए 2 क्या है अपना पेरेंट इसको बनाता है, जब ए 6 क्या करता है इस नोड को एडॉप्ट करता है, तब क्या हो गया कि इसका जो एक चाइल्ड था, मान लिया 4 है 5 है, मान लिया इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग की कमी हुई और 5 भी इसको छोड़ के चला गया। जब ऐसी केस होती है तो जो ए वाला नोड है 2, तो इसको हम क्या बना देंगे, ये हमारा एक मार्क्ड नोड हो गया, तो ये मार्क हो गया, तो इसे हम मार्क नोड कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किसे मार्क नोड कहते हैं। जैसे इसी चीज को फिर से समझते हैं, अगर इसको हटाना हो कि मार्क नोड को हम रिमूव कैसे करें तो क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जैसे क्या था कि अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास 3 था, ठीक है, 3 था, यहाँ पे 1 पहले से इसको एग्जिस्ट करता था, ठीक है, अभी 4 यहाँ था, मान लिया 5 यहाँ था, ठीक है, अब क्या कर रहा है कि 3 है हमारा, अब मान लो कि इन दोनों के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग की कमी हुई और इसने इसको एडॉप्ट करने से छोड़ दिया, और इसको क्या किया 2 ने एडॉप्ट कर लिया, 2 जो नोड है 3 को एडॉप्ट किया। अब ए वाली नोड तो हमारी डिलीट हो गई है, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। लेकिन जब ऐसा हुआ तब ये जो 5 था और 4 थे, इसके दोनों चिल्ड्रन में अंडरस्टैंडिंग बनी रही, ये 3 को छोड़ के कहीं नहीं गए, तब इस मार्क्ड वाली नोड को हम क्या करेंगे, अनमार्क कर देंगे, यानी ये हमारी नोड अनमार्क्ड हो जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मार्क का कॉन्सेप्ट है क्या। सो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय गाइस।